हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, अगर आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। और वोटर हेल्पलाइन का न्यू अपडेट आ चुका है, सो अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एक न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आपको सर्च कर देना है वोटर हेल्पलाइन। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये ऐप आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसको अपडेट कर लेंगे। उसके बाद में आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा, इसको आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप टू लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर एक वोटर मित्र मिल जाता है जो कि आपको मदद करेगा फॉर्म फिल करने में और किस किस चीज़ों को आपको नहीं करना है ये भी ये चीज़ बताएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप वोटर आईडी कार्ड फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है आप इंडियन सिटीजन है, अगर हाँ तो यस पे क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना कैलेंडर मिल जाता है, यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ देना होगा, तो उस प्रूफ में आप आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आदि दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम आधार कार्ड देना चाहेंगे तो आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपलोड और डिजी लॉकर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड करने वाले हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपका डिजी लॉकर में है तो आप यहां डिजी लॉकर का ऑप्शन चूज़ करके वो डॉक्यूमेंट्स यहां इंपोर्ट करवा सकते हैं। और अगर आप यहां मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पे क्लिक रहने देंगे और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां पर आपसे कैमरे के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, जिसको आप अलाउ कर देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर चुना है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो जैसे कि हमने आधार कार्ड को चुना है तो हम गैलरी में जाके अपना आधार कार्ड पिक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा आधार कार्ड, इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से। और क्रॉप करने के बाद में आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। पिक्चर अपलोड करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फाइल है वो JPG या फिर JPG में होनी चाहिए और आपके फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एज डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका एज 21 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको अपना एज डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। तो अगर आपके पास एज डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अपना डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको प्रिंट कर लेना है और उसको पूरी तरीके से फिल कर लेना है। और देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम लिखना है और आपका फादर के साथ आपका क्या रिलेशन है, सन, डॉटर या फिर वाइफ, आप यहाँ टिक मारेंगे। और RO के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बताना है, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। और नीचे आएंगे प्लेस में आप अपना सिटी का नेम डालेंगे और आज का डेट डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इतना करते ही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। और फिल करने के बाद में आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म कैप्चर कर सकते हैं। वैसे हमने कैप्चर करके रखा हुआ है तो हम इसको गैलरी से जाके पिक कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। और क्रॉप करने के बाद में आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अटैच हो चुका है, ये भी 2 MB से कम होना चाहिए। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है
और आप चाहे तो अपने कैमरे की मदद से फोटो ले सकते हैं या फिर आपके गैलरी में रखी हुई है फोटो तो वहां से पिक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम गैलरी में जाके पिक कर लेते हैं, तो देखिए इसको भी कुछ इस तरीके से हम क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद में आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फोटो है वो 200 KB से कम होनी चाहिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। नेम डालने के बाद में आपको नेम इन रीजनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेम इन रीजनल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेम है वो रीजनल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी में हो चुका है। अगर ये गलत है तो आप इसको मैनुअली सही कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके नेम में कोई सरनेम है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद में आपको यहाँ डिसेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके अंदर कोई तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव का नेम डालना है, जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड या फिर वाइफ, किसी का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और रिलेटिव का नेम डालने के बाद में आपको रिश्तेदार के नाम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अगर ये आपको गलत लगता है तो आप इसको मैनुअली सही कर सकते हैं। सही करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलता है, गूगल हिंदी इनपुट टूल, इसकी मदद से आप यहाँ पर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताना है जिसका भी नेम आपने दिया है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड। तो यहाँ पर हमने फादर का नेम दिया है तो फादर पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना हाउस का नंबर देना है। अगर आप गाँव में रह रहे हैं, आपके घर का कोई भी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 00 भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर में किसी का वोटर आईडी कार्ड बना है तो वहां से अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पूरी तरीके से अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एरिया टाइप का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में। अगर शहर में रहते हैं तो सिटी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और गांव के लिए आपको विलेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि हम विलेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका विधानसभा कौन सा लगता है। तो हमारा विधानसभा क्षेत्र है अमेठी, इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ में। तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस दिया है उसका आपको एक प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड या फिर पानी का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि ये सब दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड देना चाहेंगे तो आधार कार्ड पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपलोड और डिजी लॉकर में। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहेंगे तो अपलोड पे क्लिक रहने दीजिए और नीचे में जो आपको अपलोड का बटन दिखता है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने एड्रेस प्रूफ चुना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम गैलरी में जाके पिक कर लेते हैं अपना एड्रेस प्रूफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही दिया है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को चुन लेते हैं और इसको क्रॉप कर ले रहे हैं अच्छे से। और क्रॉप करने के बाद में आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अटैच हो चुका है। इसी तरीके से जो भी आपने एड्रेस प्रूफ चुना है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप डिक्लेरेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जो भी एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से ही इस एड्रेस पे रह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना बर्थ ईयर ही सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आप जनरल डिक्लेरेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है और उसके बाद नीचे में आप प्लेस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना सिटी का नेम डाल देना है और उसके बाद में आपको डन पे क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पूरी समरी दिखाई गई है जो कि आपने फॉर्म फिल किया है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको पीछे जाके उसको सही करना होगा। और अगर आपने फॉर्म में सब कुछ सही डाला है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने यहाँ पर एक थैंक यू बॉक्स खुल के आ गया है। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप कॉपी करके रख लीजिए या फिर मोबाइल में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ओके पे क्लिक कर दीजिए और इसी रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आप इस पेज पे आ जाएंगे और उसके बाद नीचे में जो आपको 3 लाइनिंग देखने को मिलता है इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डाल देना है। अगर रेफरेंस नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाइड फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जितने भी एप्लीकेशन आपने यहाँ से सबमिट किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये हमने सबमिट किया है, इस पे हम क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
और वोटर आईडी कार्ड बनने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, उसके बाद आपके लिए एक बीएलओ अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद में फील्ड वेरीफाई होगा। फील्ड वेरीफाई के तहत आपके वो एड्रेस पे भी आ सकते हैं और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।